से हम लोग यूपी टीजीटी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है अक्टूबर एंड और नवंबर में। यूपी टीजीटी आर्ट में 148 वैकेंसी हैं, तो आज से हम इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास फर्स्ट में कला का अर्थ क्या होता है। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, कला कहलाती है। भारतीय कला क्या है? दर्शन है। शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। कला शब्द यथार्थवादी शब्द प्रयोग भारत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया था। भारतीय चित्रकला का भी प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। भारतीय चित्रकला का उद्गम भी प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। समय के साथ साथ ज्यों-ज्यों मानव ने विकास किया, भारत में यह कला भी अपने उत्कर्ष को प्राप्त करती रही। वास्तुत्व भारतीय चित्रकला की प्रधानता को अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया तथा विश्व में उसकी एक विशिष्ट पहचान है। इंडियन आर्ट की एक स्पेशल रिकॉग्निशन है। वर्ल्ड में कला संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द है। इसकी उत्पत्ति कला धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना। कला का अर्थ है सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला शिल्प, हुनर अथवा कौशल। कला से संबंध में पाश्चात्य दृष्टिकोण भी कुछ इस प्रकार है। अंग्रेजी भाषा में कला को आर्ट कहा जाता है, फ्रेंच में आर्ट, लैटिन में आर्टम और अर्स से कला को व्यक्त किया गया है। इनके अर्थ वे ही हैं जो संस्कृत भाषा के मूल धातु अर के हैं। अर का अर्थ है बनाना, पैदा करना या रचना करना। यह शारीरिक या मानसिक कौशल आर्ट को माना जाता गया है। कला कितने प्रकार की होती है? कला के कई प्रकार होते हैं, जैसे इन प्रकार का परिगणना भिन्न भिन्न रीतियों से होता है। फर्स्ट टाइप का एक आता है, मोटे तौर पर जिस वस्तु, रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है, उसी के नाम पर इस कला का प्रकार कहलाता है। कला कैसे कहलाई जाती है? जिसके रूप में उसको आकार दिया जाता है, जिस तरह से बनाया जाता है, उसी चीज को इस्तेमाल की तरह ही उसको कहते हैं, उसका नाम भी दिया जाता है। जैसे वास्तुकला या स्थापत्य कला। वास्तुकला क्या है और यह स्थापत्य कला क्या है? इसका मतलब होता है वास्तुकला का कि अर्थात भवन निर्माण कला, जैसा दुर्ग, प्रासाद, मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे आदि, ये सब आपने देखे होंगे। इसे वास्तुकला कहते हैं। घर बनाना या किसी मंदिर को बनाना या किसी मस्जिद को बनाना या कोई मकबरे को बनाना, इसे वास्तुकला कहते हैं। मूर्ति कला क्या है? मूर्ति कला पत्थर या धातु की छोटी बड़ी मूर्तियां, उसे मूर्ति कला कहते हैं। आज के जमाने में मूर्ति कहते हैं पीओपी के थ्रू भी बनती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक सांचा बनाया जाता है, फिर उसके बाद उससे सांचे में इसे डाल दिया जाता है। लेकिन पहले जमाने की बात कर रहे हैं हम, चित्रकला। अब एक एग्जाम्पल है चित्रकला। चित्रकला भवन की भित्तियां यानी छतों, अंदर दीवारों, छतों या स्तंभों पर, स्तंभों मतलब पिलर्स पर, अथवा वस्त्र, भोजपत्र या कागज पर अंकित चित्र, उसे चित्रकला कहते हैं। एक मृदु भड़कला है, जिसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं या मिट्टी का किसी भी कुछ बनाया जाए तो उसे मृदु भड़कला कहते हैं। एक मुद्र कला है, सिक्के या मोहरे जो होती हैं उसे मुद्र कला बोलते हैं।
नेक्स्ट ऐप है, कभी कभी किस जिस पदार्थ से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उस पदार्थ के नाम पर उस कला का प्रकार जाना जाता है, जैसे प्रस्तर कला, पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियाँ, यानी पत्थर को काट काट के बड़ी हुई आकृतियों को बोलते हैं प्रस्तर कला बोलते हैं। धातु कला, धातु कला कांसे तांबे अथवा पीतल से बनाई गई मूर्तियां होती हैं उसे धातु कला बोलते हैं। दंत कला, दंत कला इम्पोर्टेंट है, हाथी के दांतों से निर्मित कलाकृतियों को दंत कला बोलते हैं। एक मृतिक कला, मिट्टी से निर्मित कलाकृतियां या खिलौने उनको बोलते हैं मृतिक कला। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, मूर्ति कला भी अपने निर्माण शैली के आधार पर प्रायः दो प्रकार की होती है। मूर्ति कला जिसमें चारों ओर तराशकर मूर्ति का रूप दिया जाता है, ऐसी मूर्ति का अवलोकन आगे से पीछे से तथा चारों ओर से किया जा सकता है उसे मूर्ति कला कहते हैं। उत्कीर्ण कला नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है, उत्कीर्ण कला अथवा भास्कर कला जिसमें पत्थर चट्टान धातु अथवा कष्ट के फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है उसे भास्कर भास्कर कला या उत्कीर्ण कला बोलते हैं। चित्रकला की परिभाषा क्या है? चित्रकला की परिभाषा किसी समतल धरातल जैसे भित्ति कष्ट फलक आदि पर रेखाओं की सहायता से लंबाई चौड़ाई गोलाई ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास करना चित्रकला है। प्रागैतिहासिक मानव ने जिस प्रकार अपनी संस्कृति सभ्यता भाव और विचारों का विकास किया इसके बहुत से तथ्य आज प्रकाश में आ चुके हैं, जैसे कि इन्हीं के आधार पर जीवों का यह विकास काम चारों भागों में विभाजित किया जा सका है। पहला है एजोइक युग, दूसरा है पैलोजोइक युग, तीसरा है मेजोइक युग, फोर्थ है सीनोजोइक युग। एजोइक युग में क्या था? इस युग में पृथ्वी पर एक कोष्ठक जैव ही था। यह जैव आज से लगभग 1 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर विकसित हुआ। पैलोजोइक युग, इस युग में जीव सर्वप्रथम आकाशरूपी प्राणियों अथवा सॉरी जैसे शिवर संपन्न रेंगने वाले जीवधारियां पक्षियां अथवा विशालकाय वृक्ष और जंगलों के रूप में विकसित हुआ। मेसोजोइक युग, इस युग में कशेरुकी जीवों का विकास हुआ जिन्हें सरिस्सृप रेप्टाइल्स कहते थे, जो रेंग के चलते जैसे रेप्टाइल्स बोलते हैं, जैसे लिजार्ड है उसको रेप्टाइल्स में आता है। सीनोजोइक युग, इस युग में आज के पाए जाने वाले जीवों का विकास हुआ, इसमें स्तनधारी सबसे इम्पोर्टेंट है, स्तनधारी जीव का उत्पन्न हुआ जिसमें वह मनुष्य भी था, जिसमें वन मानुष भी था, जिसका बदला रूप आज के मानव जैसा है। मनुष्य की उत्पत्ति आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। यही सृष्टि के विकास का चरमोत्कर्ष और अंतिम चरण माना जाता है। कला के हिसाब से यह मनुष्य का ही सबसे लास्ट और अंतिम चरण माना जाता है। सो फ्रेंड्स, ये आज क्लास नंबर 1 थी जिसमें हमने कला का अर्थ पढ़ा है, कला का अर्थ समझा है। इसके आप नोट्स बना लीजिएगा। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं।